जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग्स। मेरा नाम है जैन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जैन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग माइक्रोटेक के स्टेबलाइजर का, जो कि 1.5 टन तक के एसी को सपोर्ट करता है और ये हमने खरीदा है फ्लिपकार्ट से। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी है रिलेटेड टू माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर, हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। क्या कुछ मिलता है बॉक्स के अंदर, कितने का है और क्या ऑफर है, कैसे आप ले सकते हैं, हर एक चीज के बारे में वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। एंड आई थिंक आप इसे पहचान रहे होंगे, ये है गुनगुन, जिसका अभी रिसेंटली मुंडन हुआ है और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। देखिएगा वीडियो को जाकर कि कैसा मुंडन था, कैसे हम लोग कैसे पहुंचे वहां पर। और वाराणसी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पे पड़ती है शीतला माता का मंदिर। यहाँ पे दो मंदिर बहुत फेमस है आपकी नवरात्रि में, आपका पहला हो जाता है शीतला माता का मंदिर, दूसरा है विंध्याचल टेम्पल। सो दोनों ही गंगा जी के किनारे पड़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके चैत्र की नवमी हो चाहे दूसरी नवमी हो, हर नवरात्रि में वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो अगर आप कहीं रहते हो और आना चाहते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो, भीड़ ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। बोलो बाय। सो दोस्तों, ये है स्टेबलाइजर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है हमारी एसी के लिए, जो अभी न्यूली आई है हमारे घर पे। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये है वो डब्बा, डब्बा माइक्रोटेक कंपनी का है और मॉडल नंबर मैं आपको भी दिखाता हूँ इसके अनबॉक्सिंग के बाद। सो दोस्तों, ये है माइक्रोटेक का आपका स्टेबलाइजर जो कि एसी में यूज होता है। बेसिकली अगर आपके घर पे स्टेबल करंट नहीं आती है, अप एंड डाउन होता रहता है वोल्टेज, तो आपको ये लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके कंप्रेशर और एसी जो है वो जल जाएगी और फिर उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 हज़ार के खर्चे आराम से बैठ जाएंगे उसे रिकवर करवाने में। सो ये 1700-1800 का माल है, ये आप ले लोगे तो लाइफ टाइम आप थोड़ा सा बचे रहोगे, एसी जलेगी नहीं और स्टेबल आपको करंट हमेशा मिलती रहेगी एसी को, तो वो लॉन्ग टर्म आपका चलता रहेगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट देखने में ऐसा है, फ्लिपकार्ट से ऊपर से हमने लिया था ये, और सेम टू सेम ये प्रोडक्ट है माइक्रोटेक स्मार्ट EM4160 प्लस डिजिटल डिस्प्ले फॉर इन्वर्टर एसी अप टू 1.5 टन। तो ये 1.5 टन तक को सपोर्ट करेगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो जाके ले लेना। ये 1800 समथिंग का पड़ा है, आज के डेट में इसका रेट जो है वो 2200 रुपया है और हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो पहले इसको निकालते हैं बाहर, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो ये डब्बे पहले से टूटे हुए हैं, सो मे भी लाने में टूट गया होगा। अब डब्बे को कर लेते हैं साइड। सो पैकिंग अच्छी है लेकिन सप्लाई आप जानी रहो, आने में फट जाता है, डब्बे टूट जाते हैं, तो ये कंपनी की गलती नहीं होती है, लाने वालों की गलती होती है। सो ये वाइट वर्जन में हमने लिया था और वाइट में ना जाने कैसा हरा हरा लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। ये है आपका माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और काफ़ी बढ़िया यूनिक लुक है इसका देखने में। ये वारंटी का 3 साल की इस पर वारंटी आपको मिलेगी। सो 3 साल के बीच में अगर कोई भी दिक्कत आती है, आप इसे जाकर अपना रिप्लेसमेंट या फिर जो भी इसके अंदर आपकी वारंटी कवर करेगी, आप इसे बनवा सकते हो 3 साल के अंदर में। ठीक है, ये आपका वारंटी कार्ड होगा। सो ये ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा, हर जैसे मान लीजिए आपकी इन्वर्टर 1 टन है 1.5 टन है उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन यदि आपकी सपोज कि 2 टन का इन्वर्टर है तो उसका एसी है आपकी, तो उसके लिए जो स्टेबलाइजर यूज़ होगा वो अलग होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 टन तक की ही सपोर्ट करेगा और वोल्टेज की अगर हम बात कर ले तो ये वोल्टेज जो सपोर्ट करता है वो 160 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा। सो अगर आपको और आपके अगर इंटरनेट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है वो इससे भी लो रहती है लाइक 130-140, तो आप 140 वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, 140 वोल्ट वाला भी आता है, थोड़ा सा इससे महंगा होता है, 3-4 हज़ार के रेंज में आएगा, तो वो 140 वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो वो एसी आपका चलने लगेगा। सो अभी फिलहाल के लिए 160 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेगा आपका एसी को। और कमेंट करके बताना ये कैसा लगा, लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर आप इसे जब चाहो तब परचेस कर सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय कर दो गुंगू, फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बोलो, तेज बोलो, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।